आर्मी चीफ बिपिन रावत की पाकिस्तान को सीधी चुनौती, कहा भारतीय सेना जवाब नहीं देती करके बताती है। जनरल रावत ने कहा आतंकियों के लॉन्च पैड और घुसपैठ को रोकने में सेना सक्षम, बैंक लूट की वारदात रोकने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के होने की खबर के बाद एक साथ कई गांव में तलाशी ली गई। सेना के सर्च ऑपरेशन में फिर बाधा बने, स्थानीय नागरिक जवानों का विरोध किया और नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के सुपौर में छात्रों का प्रदर्शन, बीते दो हफ्ते में पकड़े गए छात्रों के समर्थन में हंगामा, एक छात्रा घायल। यूपी के फैजाबाद से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में था आफताब नाम का जासूस। मुंबई से भी आईएसआई के दो जासूस गिरफ्तार, अल्ताफ कुरैशी और जावेद को महाराष्ट्र और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। बिहार के बेतिया में पुलिस और एनआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन, अवी मोहम्मद नाम का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लैंडमाइन ब्लास्ट, 19 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। रांची में दो नक्सलियों का सरेंडर, दोनों पर था कुल 20 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में चार संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार, बरकापाल नक्सली हमले में शामिल होने का शक। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, तीन जवान जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के नारायणा अस्पताल पहुंचे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, सुकमा नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले। हंसराज अहीर ने कहा नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बना रही हैं रणनीति। पठानकोट के कैंट एरिया के पास मिले दो संदिग्ध बैग, बैग से मिले दो मोबाइल टावर्स की बैटरी। जांच के लिए पहुंचे डॉक्टरों से जस्टिस कर्णन ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, चार डॉक्टरों की टीम कर्णन के घर पहुंची। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार, 11 आरोपियों को मर्डर और गैंगरेप का माना दोषी। हिमाचल प्रदेश और पालमपुर में अमित शाह ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा हिमाचल प्रदेश को पीएम के सपनों का राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी होगा विकास। स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ सुथरे शहर की सूची में सबसे ऊपर इंदौर, एमपी और झारखंड के कई शहरों में भी सुधार। कोल स्कैम में जिंदल समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश, पांच नए आरोपियों की स्थायी जमानत पर सुनवाई 25 मई तक के लिए टली। सीबीआई के रुख पर विशेष अदालत नाराज, आरोपियों के वकील ने देर से दस्तावेज मिलने की वजह से मांगा और वक्त। 2020 तक डिजिटल मीडिया के कंटेंट दिखाने के तरीके में आएगा बड़ा बदलाव, जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा छोटी मीडिया डिवाइस का बढ़ेगा इस्तेमाल। बाबा रामदेव ने कहा सुकमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। शहीदों के बच्चों के लिए पतंजलि खोलेगा स्कूल, बाबा रामदेव बोले बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक श्रीनगर में होगी, 18 और 19 अप्रैल को शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी मीटिंग। ईवीएम मामले पर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 12 मई को ईवीएम पर रखेगा अपना पक्ष। लखनऊ में सीएम योगी दूसरे दिन नए विधायकों को संबोधित करते नजर आए, स्पीकर सुमित्रा महाजन भी रही मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप मामले में गायत्री के साथ अमरेंद्र सिंह और विकास वर्मा को 2 दिन में सरेंडर करने का दिया आदेश, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्जनों महिलाओं का थाने के बाहर धरना, सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी एक दंपत्ति पर कार्रवाई की मांग। यूपी के श्रावस्ती में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, डांसर्स के साथ नाचता और पैसे उड़ाता दिख रहा है। सीबीआई ने दिल्ली स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी तरुण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया, कुछ कंपनियों और लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। सीबीआई ने सुबह दिल्ली सरकार के सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग में छापेमारी की थी, आरोप है कि तरुण सिंह की धांधली से सरकार को 10 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ। सीबीआई की छापेमारी पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा राजनीतिक दबाव के चलते की गई कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे को पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजने के लिए तैयार, बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने दिया जवाब। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, गाड़ियों से हूटर और विधायक या मंत्री लिखी प्लेट हटाने के आदेश। गुना के एडीएम न्यास खान की डीएम को चिट्ठी, अंडरवर्ल्ड पर नॉवल लिखने के लिए अबू सलीम के साथ 1 महीना जेल में रहने की मांगी इजाजत। जयपुर में ग्राहक बनकर आई 4 महिलाओं ने 4 लाख के गहने चोरी किए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, महिलाओं की तलाश जारी। झारखंड के धनबाद से सामने आया चोरी का सीसीटीवी फुटेज, आलू व्यापारी के गोदाम के कैश काउंटर से रुपए चोरी किए गए। गुजरात में शहीदों के शव से बर्बरता से नाराज लोगों ने सड़क पर बनाया पाक का झंडा, केस दर्ज कर जांच की शुरू। कर्नाटक के शिमोगा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने लकड़ी से लड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी रोक। आईपीएल में आज दिल्ली और गुजरात की टक्कर, लायंस के सामने अपनी जीत बरकरार रखेगी दिल्ली। अर्जुन पुरस्कारों के लिए मुक्केबाज स्वीटी बोरा, सानिया लाठेर और सरजूबाला देवी के नाम की सिफारिश, विश्व चैंपियनशिप में जीता था रजत मेडल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कानूनी नोटिस भेजा। $60 मिलियन मुआवजे की मांग 2015 से 2023 के बीच होनी थी 6 बायलैटरल सीरीज। वॉशिंगटन के हादसे का शिकार हुआ छोटा प्लेन, उड़ान के तुरंत बाद व्यस्त इलाके में गिरा, बिजली के तार में फंसने से हुआ हादसा। चीन में रेत का तूफान, ब्लू अलर्ट किया गया, यातायात हुआ बाधित। जिम्बाब्वे के हरारे में यूनिसेफ के कार्यक्रम में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हुई शामिल, यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर है प्रियंका। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के प्रमोशन में जुटे आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा, 12 मई को होगी फिल्म रिलीज। दिना, 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 दिना,